गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जी हाँ, मेरा नाम पवन कटारिया है और लगभग 7 साल पहले मैं भी ऐसे ही बैठा था जैसे आज आप बैठे हैं। आज कितने लोग ऐसे जो पहली बार आए हैं जी हमारे सीएनटी पूरा आपको देखने, तो हमारे साथ ही जानते हैं मेहमानों का स्वागत कैसे करना है। और दोस्तों, वेलनेस की बात हो रही है, इलनेस कोई नहीं चाहता, हर आदमी वेलनेस चाहता है। और इलनेस आप देख रहे हैं आई से शुरू होता है। आई का मतलब ज्यादा मैं करते हैं तो बीमारियां हो जाती हैं, इलनेस बताती है। लेकिन जब हम आई को कन्वर्ट करते हैं वी में, बाकी कोई फर्क है? सिर्फ आई और वी का फर्क है। जैसे हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के लिए केयर करते हैं तो फिर वेलनेस आती है घरों में। और आज हम बात करेंगे सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी की, कोशिका पोषण पद्धति, एक ऐसी पद्धति जो पोषण देती है कोशिकाओं को। ये इसका हिंदी मतलब है। जैसे हमारी पूरी बॉडी बनी है 63 खरब कोशिकाओं से, तो ये कोशिका बनती है, फिर सेल्स बनते हैं टिश्यू में, टिश्यू से बनता है ऑर्गन और ऑर्गन से बनती है बॉडी। तो बॉडी का सबसे छोटा पार्ट सेल होता है, जो 63 खरब इंजन है हमारी बॉडी में, जिनका काम है कि आपको बीमार ना पड़ने दें। लेकिन वो मजबूर हो जाते हैं जब हम उनको जबरदस्ती कहते हैं कि कब तक बीमार नहीं होगे, मैं तो करके रहूंगा। तो कौन जीतेगा? बॉडी आपकी। तो जीतते भी हम ही हैं जब हम बहुत ज्यादा मीठा और बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगातार लेते रहते हैं और चेकअप कराते रहते हैं शुगर का, कि शुगर तो नहीं हुई, चलो मीठा कंटिन्यू रखेंगे। और लास्ट में जब हम देखते हैं 10 साल बाद, अच्छा हो गई अब मैं कम करूंगा। कम पहले करना चाहिए था कि शायद ही नौबत ना आती। तो सारा ये जो पहले इलाज नहीं होता था तब हम 100 साल जीते थे, अब इलाज आ गया और ऐसे ऐसे टेस्ट आ गए जो आपको रिपोर्ट में बता देंगे कि आने वाली बीमारियां कौन सी हैं आपकी। तो 100 से 105 पे जानी चाहिए एज हमारी, या 70 पे आनी चाहिए, क्या होना चाहिए कायदे से? 105 110 होनी चाहिए ना। लेकिन उल्टा हो गया, स्कूल बढ़ गए तो पढ़े लिखे लोग बढ़ गए, हॉस्पिटल और इलाज बढ़ गया तो उम्र बढ़नी चाहिए थी, कम हो गई, क्योंकि सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी इसके ऊपर हमने ध्यान देना बंद कर दिया और अटैक की संख्या बढ़ती जा रही है। घुटने का दर्द मेजर दर्द बन के निकला है अब, और उम्र भी लगातार घटती चली जा रही है। यहां से रोज शुरू होता है वेस्टिज का। अब वेस्टिज क्या लेके आया? प्रॉब्लम बताने का हक उसको है जिसके पास सोल्यूशन भी हो। तो सॉल्यूशन वेस्टिज के पास है, इसीलिए इस प्लेटफॉर्म से हेल्थ की बात हो रही है आपसे। तो इसमें क्या लेके आए सर, हम आगे देखते हैं। ये 19 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं जो वेस्टिज बनाता है। जब हम इसको लेते हैं तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है, स्वास्थ्य सब कुछ बढ़िया रहता है, सुंदरता भी कई गुना बढ़ जाती है। और सारी अलग अलग कैटेगरी में है, ये प्राइम कैटेगरी, इम्यूनिटी बूस्ट, हार्ट की कैटेगरी, जॉइंट एंड बोन्स की, फिटनेस की, इसको एक एक करके जानते हैं आगे डिटेल में। तो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी वेस्टिज प्राइम। प्राइम मतलब स्पेशल कैटेगरी है, पेटेंट फार्मूला है जो सिर्फ वेस्टिज के पास है। इसमें हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है एनर्जी बूस्टर। ये मेल हार्मोन्स को और बढ़ाने के लिए होता है, स्ट्रेस को कम करने के लिए होता है, क्योंकि कहते हैं कोविड के बाद बिजनेस जिस तरह से शेक हुए हैं, 84% मेल जो है इंडिया में वो डिप्रेशन में है कि नहीं? सही बात, लोगों की जॉब जो पहले सेल ही होती थी आज तक भी उतने के बराबर नहीं आई है। वर्क फ्रॉम होम जो तब से शुरू हुआ है अभी भी वर्क फ्रॉम होम चले जा रहा है, और एक जगह पे कैद होके काम करना थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाता है उससे। उस सब से निकालेगा आपको एनर्जी बूस्टर। क्रिल ऑयल एक मछली होती है समुद्र में, जैसे आपने चार्ट देखा होगा पढ़ाई में कि व्हेल मछली इसको खाती है, ये इसको खाती है, एक व्हेल चार्ट होता है, मतलब समुद्र का चार्ट होता है एक, उसमें जो सबसे छोटी मछली होती है उसका नाम होता है क्रिल। वो किसी मछली को नहीं खाती, वो सिर्फ वनस्पति खाती है। तो उसके अंदर सबसे ज्यादा ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ओमेगा 7 सब कुछ मिलता है। और जब हम इसको लेते हैं तो ब्रेन के लिए सबसे अच्छा होता है, घुटने के लिए सबसे अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए कम करने के लिए सबसे अच्छा होता है क्रिल ऑयल। कोम्बाइटिक, जिनको भी पेट की दिक्कत है, आजकल हर तीसरे आदमी को पेट की, कॉन्स्टिपेशन की या कुछ ना कुछ हाजमे की दिक्कत है, तो जिसको भी ऐसी दिक्कत है उसको लेना है कोम्बाइटिक, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक दोनों इसमें वेस्टिज ने एक ही कैप्सूल में, कैप्सूल के अंदर कैप्सूल डालकर आपको दिया है। सीबकथॉम एक लेह लद्दाख की जड़ी बूटी है जो कि DRDO डिफेंस डिपार्टमेंट जो इंडिया का, वो भी इसको पास करता है और अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी
सीबकथोन दिया जाता है। उसके साथ में आपको देख रहे हैं सीएमडी नाम लिखा है, कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। जैसे हमें विटामिन्स भी चाहिए जो आप खाने से ले लेते हैं, पीने पानी से मिलते थे मिनरल पहले, तो मिनरल हमें सब्जियों से फ्रूट से भी मिलते हैं, लेकिन अगर आप सारी सब्जियां फ्रूट खा भी लें और कच्चे भी खा लें तो भी आपको मिनरल मिलेंगे 18 और चाहिए हमें 60। लेकिन हमने बनवाया एक एमआरआई कंपनी है यूएस की, वहां एक लेक है जो 120 किलोमीटर लंबी है, 3 नदियां उसमें मिल रही है कई सालों से, लेकिन उसका पानी फिर कहीं जाता नहीं है, तो यानी इतना गाढ़ा पानी हो चुका है कि अगर आप उसमें छलांग लगा देंगे तो डूबेंगे नहीं, क्योंकि वो इतना खारा पानी है, वहां जीवन संभव ही नहीं है। लेकिन उसके अंदर मिनरल बहुत ज्यादा आ गए, क्योंकि सारे पहाड़ों से जो सैर करती हुई नदियां आती हैं, तो सारे मिनरल वहां पे इकट्ठा हो गए। तो एमआरआई कंपनी उस मिनरल को निकालती है वहां से, 2 साल लगता है इस ड्रॉप्स को बनने में, और नेचुरल तरीके से बनने के बाद शीशी में बंद कर ये इंडिया में वेस्टिज लेके आया है, और एमआरआई ने सिर्फ वेस्टिज को ही ये अधिकार दिया है कि इस मिनरल के ऊपर वो काम कर सकते हैं। इसके 1 लीटर पानी में, जैसे हम 1 लीटर की बोतल लेते हैं 20 रुपए की, तो अगर आप उसको चेक करोगे टीडीएस और बल्ब का हम डेमो दिखाते हैं, तो आपको दिखेगा कि वो डेड वाटर है, उसमें मिनरल है ही नहीं। तो 20 रुपए हम डेड वाटर के भी दे रहे हैं, और जब हम घर में आरओ लगाते हैं तो भी मिनरल्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जब आरओ अशुद्धियां साफ करता है तो मिनरल भी साफ कर देता है। तो आरओ हम हटा नहीं सकते क्योंकि लीवर किडनी पे अटैक होगा खराब पानी की वजह से। तो 2 बुराइयों में से हमें एक को छांटना था, तो किसको छांटा हमने, जो कम बुरा है। अभी इलेक्शन आने वाले हैं ना, तो हम किसको वोट देंगे, जो कम बुरा होगा उसको ज्यादा वोट मिलते हैं। तो ऐसे ही सीएमडी जो बनाई वेस्टिज ने, इसके अंदर 84 मिनरल मिल जाते हैं। 1 लीटर पानी में 7 बूंदे डालेंगे आप, या 1 गिलास पानी में 2 बूंद डालेंगे, 84 मिनरल आपके हुए, पैर मतलब बाल से लेके पैर के नाखून तक सब अंगों पे इसका काम होगा, क्योंकि ये अल्कलाइन वाटर देना शुरू कर दिया, और हमारे जितने भी ऑर्गन हैं शरीर के, अंग जितने भी हैं, किडनी हो, लीवर हो, हार्ट हो, ये सारे अल्कलाइन ऑर्गन हैं, एसिडिक ऑर्गन नहीं है। और हम सारा खाना कौन सा खाते हैं, एसिडिक खाते हैं, इसलिए दिक्कत बढ़ती चली आ रही है। तो ये कमाल का प्रोडक्ट एब्जॉर्बिट के नाम से, 4 शीशियां आपको दिख रही है, इसमें सबलिंगुअल स्प्रे है जो टंग के नीचे स्प्रे करना होता है, इसमें मल्टी विटामिन भी है, B12 भी है, विटामिन सी भी है, और विटामिन डी भी है। और विटामिन डी और B12 की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे 2 विटामिन है जिसमें इंडिया में सबसे ज्यादा कमी इसकी पाई जा रही है। 10 लोग अगर टेस्ट कराएंगे अपना नॉर्मल टेस्ट रूटीन में, तो 8 लोगों को इसकी कमी मिलेगी ही मिलेगी, इस बात की गारंटी है। क्योंकि ये 2 चीजें धूप से मिलती है, विटामिन डी मिलती फ्री है ना, फ्री मिलती है ना, धूप, पैसे तो नहीं चार्ज हो रहे ना किसी के भी, लेकिन इस फ्री की चीज को लेने के लिए इंसान फ्री नहीं है आजकल, पहले होता था तो उसको मिल जाती थी। तो सब कुछ हमने बनाया एब्जॉर्बेंट, यानी कि आप जब स्प्रे करेंगे 30 सेकंड के अंदर आपकी बॉडी में ये चीजें पहुंच जाएंगी। जब हम कैप्सूल से और गोली से लेते हैं ये चीजें, तो पेट में जाते हैं, लीवर जूस मिलता है, उसके बाद ऑर्गन तक पहुंचता है, 2 घंटे का सफर लगता है, और 400 mg की गोली आपके ऑर्गन तक पहुंचती है 50 या 60 mg बनकर। तो इतना कमी हो गई, यानी 85% वेस्टेज हो जाती है। लेकिन यहां जब आप लेते हैं स्प्रे को, तो 90% आपकी बॉडी में, वो भी 30 सेकंड में पहुंच जाता है। तो इतने कमाल का प्रोडक्ट है ये। और मल्टी विटामिन्स गमी भी बनाई हुई है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। नेक्स्ट इम्यूनिटी बूस्ट का गाना पिछले 20 साल से वेस्टिज गा रहा है, लेकिन इसको आपने और मैंने और मीडिया ने और सरकार ने गाना शुरू किया जब कोरोना आ गया। कईयों को पता भी नहीं था ये शब्द, लेकिन आजकल हर बच्चे को पता चल चुका है इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी जिनकी वीक थी वो पहलवान भी चले गए, और इम्यूनिटी जिनकी स्ट्रांग थी वो बुजुर्ग भी बच गए ना, सब हम सब बच गए। कहते हैं पिछले 4 साल में क्या कमाया हमने, तो अगर आप हिसाब लगाएंगे और हमारी सांसें चल रही है और हम यहाँ बैठे हैं, यही असली कमाई मान लो। एलोवेरा और आंवला ये इम्यूनिटी बूस्ट का काम करते हैं, आपके रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ा देते हैं। स्पिरुलिना एक मल्टी विटामिन है, समुद्र में पाए जाने वाली एक वनस्पति है, 46 पोषक तत्व हमें चाहिए होते हैं सारी चीजों से जो मिलते हैं। स्पिरुलिना में 45 पाए जाते हैं कुदरती तौर पे। कहते हैं जब दुनिया मतलब ऊपर वाला देता है ना, तो छप्पर फाड़ के देता है,
तो स्पुरीना में न्यूट्रिशन छप्पर फाड़ के दिया है भगवान ने। तो एक बारी ताली बजा दो ऊपर वाले की, ऊपर वाले की भी ऐसी ताली बजाओगे। जैसे मैंने बताया पूरे सेल्स से बना है सब पूरा बॉडी, तो सेल्स के अंदर होते हैं रोम छिद्र पोर्स, जिससे हम जो भी खाना खाते हैं न्यूट्रिशन में कन्वर्ट होके उन्हीं पोर्स से जाता है वो। जैसे एक चाय की छन्नी होती है, अगर सिर्फ छानते जाएं और उसको साफ ना करें तो कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि उसमें से एक बूंद भी चाय निकलेगी नहीं, जम जाएगी, होगा ना ऐसे? ऐसे ही हमारे पोर्स जो पॉल्यूशन और नकली चीजें और केमिकल्स हम खा रहे हैं उसकी वजह से वो पोर्स बंद हो जाते हैं। जब हम जो भी खाते हैं, खाया पिया कई बार आप देखते हैं कि खाता बहुत है लगता नहीं है इसको, तो आप उसको नोनी देना शुरू करो। और नोनी सेल्स का स्पेशलिस्ट है और हार्मोन्स का भी स्पेशलिस्ट है। अस्थमा के लिए रामबाण माना जाता है। जो लोग पंप ले रहे थे और लगातार नोनी लिया तो 6 से 9 महीने में पंप भी छूट गए, डॉक्टर भी हैरान हो गए कि ये हो क्या गया। कैंसर कोशिका को भी नॉर्मल कोशिका में बदलने की ताकत रखता है नोनी। और कैप्सूल इतना महंगा है कि आप हैरान रह जाएंगे कि बैंक से लोन ना लेना पड़े, 5 रुपए का एक कैप्सूल है। इसके साथ देखो कोलेस्ट्रॉल, जो गाय का पहला दूध होता है उससे बनाया है, ये खीस भी कहते हैं। आपने सबने खाया भी होगा, कितनों ने खाया है ये खीस? देखो आधे से ज्यादा लोगों ने खीस खाया है, लेकिन क्या आज की डेट में दिल्ली वाले बच्चों को मिलेगा खीस कहीं से? गाय देखने को मिल जाए वो भी बहुत है। तो यहाँ पर हमने उसी खीस से कैप्सूल बना दिए। ये भी इम्यूनिटी बूस्ट होते हैं, शुगर में भी काम आते हैं, ग्रोथ में भी काम आते हैं, बहुत कमाल की चीज है। कहते हैं माँ के दूध में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, उससे भी 25 गुना ज्यादा गाय के दूध में होता है, इसलिए गाय को भी माता कहते हैं। ताली बजाओ माता जी के लिए। एलोवेरा और आंवला के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि बाबा जी ने इसका ऑलरेडी प्रचार बहुत किया हुआ है और आप भी सब जानते हैं। नेक्स्ट, हार्ट कितने दिल है जी हमारे पास? एक ही अभी तक। अच्छा, वो करता क्या है, जब से हम पैदा हुए, जब पैदा नहीं भी हुए थे ना, तब से 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और जब तक हम धरती पे रहेंगे अपना काम परफेक्ट करता रहेगा। हम जब सारा दिन काम करते हैं, रात को सोते हैं, हमें आराम चाहिए ना। yes. तो जब ये भी काम कर रहा है कई सालों से, तो इसको आराम नहीं चाहिए होगा? दे सकते हैं हम आराम इसको? क्योंकि अगर इसको आराम दे दिया तो आराम हो जाएगा फिर, इसलिए नहीं देते। लेकिन इसको आराम देने के लिए और इसको तकलीफ देने के लिए हम सारे काम कर रहे हैं। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ हम खा रहे हैं, इससे इससे तकलीफ होती है हार्ट को। तो जब आप जीभ के लिए खाते हो, कहते हैं जो जीभ को पसंद है वो हार्ट को पसंद नहीं है, और जो हार्ट को पसंद है वो जीभ को पसंद नहीं है। साथ किसका दोगे? हार्ट का देना चाहिए कह रहे हो, देते किसका हो? जीव का। और अगर दो लोग, आप और जीव, दो आदमी मिलके एक को मारेंगे तो कौन हारेगा? एक आदमी हार जाएगा ना, तो दो आदमी मिलके मारेंगे तो हम और हमारी जीव मिलके हार्ट को मार रहे हैं। इसीलिए हमें थोड़ा सा सुधरना चाहिए। और हमें ये जो कैटेगरी है हमारी हार्ट स्पेशलिस्ट की, इसमें अलसी के बीज का अर्क बनाकर उसके कैप्सूल बनाए हैं। अगर आप 6 से 9 महीने लेते हैं तो सारी आर्टरीज में जो ब्लॉकेज है, क्योंकि 1 लाख पाइप है हमारी बॉडी में जो ब्लॉकेज होती है, तो उसको भी रिलीज कर देते हैं। ये फ्लेक्स ऑयल, ऐसी कोएंजाइम Q10 जो हार्ट का एनर्जी का पावर हाउस है, LRG9 जो हमारे नसें हैं वो मतलब सॉफ्ट से हार्ड हो जाती है बाद में। कहते हैं बाल से भी पतली, 10 गुना पतली नसें हैं ब्रेन की, तो उसमें से भी न्यूट्रिशन जाता है। लेकिन हम जो स्ट्रेस और सारा पोल्यूशन ले रहे हैं, अगर आप LRG9 को लेते हो तो वैसे ये सॉफ्ट कर देता है। फरीद मुराद ने बनाया है, जिनको नोबल प्राइज तक मिला है US में इसी चीज की वजह से। नेक्स्ट, जॉइंट एंड बोन्स, क्योंकि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं जी? 206। हाँ, तो ये मुन्ना भाई देख के आए तो 206 हड्डियों में जॉइंट्स भी बहुत सारे होंगे। तो ये सारे जॉइंट्स अगर हम हड्डियां निकालते तो क्या बन जाएगा हमारा शरीर? ऐसे ही पड़ा रहेगा ना, खड़ा नहीं हो सकता था मैं भी। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। लेकिन सबसे पहले हमारे घुटने में ही प्रॉब्लम होती है, क्यों? क्योंकि जॉइंट्स तो बहुत हैं, लेकिन घुटने की नंबर क्यों जल्दी आ जाता है? क्योंकि हमारा सारा बोझ जो है घुटने पे रहता है, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल, कहते हैं जो दरवाजा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है उसी में ही चर्चा की आवाज सबसे जल्दी आती है। तो इसके अंदर कैल्शियम और ग्लूकोसामाइन कोलोजन ये बनाया, अगर आप इसको लेते हैं तो ग्रीस को दोबारा बनाता है। सारी जो हड्डियां हैं बनती कैल्शियम से हैं। कैल्शियम अगर पूरी मात्रा में आपको बच्चों को मिलेगी तो ये कमी नहीं होगी, और जब कमी नहीं होगी तो न्यूट्रिशन गैप क्रिएट नहीं होगा। जब हम रात को सोते हैं
बॉडी अपनी आप रिपेयर करती है रात को, लेकिन जो रिपेयरिंग के लिए जो टूल्स चाहिए हमें विटामिन्स और मिनरल, वो तो हमने सारा दिन खाए नहीं। तो सारा दिन जब खाए नहीं तो ठीक करेगा कैसे बॉडी? तो इसीलिए इन चीजों की जरूरत अब पड़ चुकी है। नेक्स्ट सर, फिटनेस के अंदर प्रोटीन पाउडर हमने बनाया, सोया और वे प्रोटीन से बनाइए। और वेट लूज करने का भी आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, कहते हैं वेट बढ़ाना सबसे आसान है, डिसिप्लिन पालन ना करो, जब जी करे जब वो खाओ। खाना खा के आदमी आता है बाहर, देखते भटूरे मिल रहे हैं तो उसी समय टूट पड़ता है, अभी खा के आया है, ऐसे ही कंट्रोल नहीं है। पहले टाइम से खाना होता था, अब टाइम से खाना नहीं होता। रात के खाने के बाद भी कहते हैं 2 से 3 घंटे बाद सोना चाहिए, लेकिन जब जॉब से ही 11 बजे आएंगे तो 4 बजे तो नहीं सोएंगे ना, खा के ही सोना पड़ता है। आजकल जॉब और ऐसी लाइफस्टाइल हो गई है। तो हमने 3 चीजें बनाई है इसमें, वीस्लिम शेक बनाया है 4 फ्लेवर में, टी बनाई है और कैप्सूल बनाए हैं। अगर आप इन तीनों चीजों को लेते हैं तो वेट आपका लगातार कम होने लगता है धीरे धीरे नेचुरल तरीके से, और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें कुल्फी फ्लेवर है, रोज फ्लेवर है, और मैंगो फ्लेवर है, और वनीला फ्लेवर है। कहते हैं वेट कम करना एक तपस्या है जो सिर्फ वेस्टिज पूरी नहीं कर पाएगा आपकी, आप भी अगर साथ दोगे अपने वेट को कम करने का, यानी वेट बढ़ाने वाली चीजों को अवॉइड करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो और बाकी काम दे दो वीस्लिम को, रेंज को, ये सारा काम आपका पूरा कर देगा। साथ में ग्लाइसेमिक हेल्थ, शुगर, 20 करोड़ लोग शुगर पीड़ित हो गए, उनके लिए हमने क्या बनाया, नीम के कैप्सूल। पहले नीम से ही दातून होते थे, निम्बोरी भी लोग खा लेते थे। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने टाइम पे निम्बोरी खाई है ना? काफी लोग हैं, लेकिन 50% ही है, क्योंकि आजकल ये चीजें बच्चे कम पसंद करते हैं। तो कम पसंद करते हैं तो इसलिए हमने कैप्सूल फॉर्म में बना दिया, सिर्फ निगल जाओ, बाकी आपका पेट और आपका शरीर अपनी आप कर लेगा, टेस्ट का चक्कर ही नहीं है। ग्लूको हेल्थ, प्री ग्लूको हेल्थ बनाया, जो लोग बॉर्डर पे हैं वो इसकी गोली लेके भी अपने शुगर को ठीक कर सकते हैं। स्टीविया, एक मीठी तुलसी होती है, उससे एक टैबलेट बनाई है, जिसको अगर आप फीकी दूध में, चाय में, चीनी में, हलवे में डालेंगे तो आपको मिठास के पूरे मजे मिलेंगे, लेकिन शुगर को ये नहीं बढ़ाता, क्योंकि मिठास को तो हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, मीठा तो चाहिए, इसीलिए ये स्टीविया हमने वेस्टिज ने आपके लिए बनाया है। नेक्स्ट सर, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए फाइबर है, जैसे पहले फाइबर अनाज के उसमें आटे में भी होता था, जिसको हम छानते थे और फेंकते थे, आजकल क्योंकि वो नहीं होता तो हम फाइबर को लेना पड़ता है हमें इस तरीके से। जैसे फलों में भी, फल कहते हैं ना, फल ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए क्योंकि उसमें फाइबर होता है, पेट की सफाई ज्यादा होती है। जैसे आपके वॉश बेसन में जो पाइप होता है, कई बार जाम हो जाता है तो आप उस पाइप को निकाल के साफ कर लेते हो, वो 2 फुट का होता है, लेकिन हमारी जो 30 फुट की आते हैं उसमें हम कई बार चबाते भी नहीं है ना सही ढंग से खाना, कहते हैं 32 बार चबाना चाहिए। कितने लोग हैं जो एक किराई को 32 बार चबाते होंगे जी? तो जब आप दांतों का काम सही ढंग से नहीं करते तो आंतों को दांतों का काम करना पड़ता है, जिससे उसको बहुत दिक्कत होती है। और सारे ये जो 90 से 120 दिन पहले खाए हुए भी खाना चिपका रहता है, और उसकी सफाई के लिए फाइबर की जरूरत पड़ती है। सिर्फ आपको सुबह सुबह लेना है पानी के साथ, और सारी सफाई टिश्यू बन जाएगा और सफाई करता हुआ बाहर निकलेगा, जिसके अंदर पूरा दिन का टाइम लग जाता है। कर्कुमिन प्लस हल्दी का एक अर्क है जो कैंसर पेशेंट में भी बहुत ज्यादा काम आता है। गैनोडर्मा, जैसे तुलसी की पूजा होती है इंडिया में, ऐसे गैनोडर्मा की चीन जापान में पूजा होती है, हर गमले में उगाया जाता है। राजा कहते हैं इसको, जड़ी बूटियों का राजा, ये हमने नहीं बोला इसको राजा, आयुर्वेद ने बोला, तो राजा वाली बात इसमें क्या होगी? जैसे इसको खाओगे इसके कैप्सूल को, ये पूरे शरीर की स्कैनिंग करेगा, जो पार्ट वीक होगा उसको अपनी आप ठीक करेगा, खराब सेल्स को नॉर्मल कोशिका यानी स्वस्थ कोशिका में बदल देगा। तो कैंसर में भी ये बहुत ज्यादा काम आता है। फूड पैच बनाए हैं जो हमारा काम किडनी करती है, किडनी भी डिटॉक्सिफिकेशन करती है और जहरीले विषैले तत्वों को बाहर निकालती है। ऐसी फूड पैच है, जापान की थेरेपी है, 24 साल रिसर्च करके जापान ने इसको बनाया। रात को सोते समय आपको पैरों के तले पे लगाना है, सुबह उतार को फेंकोगे तो चिपचिपा बदबूदार इसमें से लिक्विड निकलेगा। कहते हैं अगर इसको बाहर वैसे रख दोगे ना खुला, तो मच्छर मक्खी जो बैठेगा उसके ऊपर वो भी मर जाएगा। ऐसा विषैला पदार्थ हम अपने बॉडी में लेके घूमते हैं, तो इसको निकालना चाहिए हमें। 440 से ज्यादा टॉक्सिन हवा, पानी और भोजन से डेली हमारी बॉडी में जाते हैं, जिसको निकालने का काम डिटॉक्सिफिकेशन पैच, फूड पैच कर सकता है। तो 6 महीने में या साल में
आपको एक बार इस सर्विसिंग को कर लेना चाहिए, क्योंकि आप स्कूटर की, बाइक की, गाड़ी की, सबकी सर्विस करवाते हो ना। yes. तो वो तो है 50,000, 1,00,000 या 5,00,000 की, है ना, कईयों की बहुत बड़ी बड़ी भी गाड़ियां हैं। yes. लेकिन सबसे कीमती गाड़ी कौन सी है? हम बॉडी है ना। yes. तो इसकी सर्विसिंग कब होगी? इसको हम तैयार कर रहे होते हैं कि फिर आईसीयू वाला ही करेगा इसको। ऐसा नहीं होना ना, तो हम पहले भी ठीक चल रही हो तब भी इसकी सर्विसिंग करवा सकते हैं। आई सपोर्ट, आईस को, विजन को और रोशनी को ठीक करने के लिए और नंबर को और कम करने के लिए। मेलाटोनिन एक स्प्रे है जो नींद को दोबारा अच्छी करता है आपकी, अगर इसका सोते समय स्प्रे कर ले तो गहरी नींद आती है, नॉन हैबिटिक है, हैबिट नहीं पड़ती इसकी। वुमेन्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम और बहुत ज्यादा फोकस सरकार भी करती है, देश भी करता है और वेस्टिज भी करता है। कहते हैं अगर वुमेन्स की इनकम इंडिया में 10% वुमेन भी अगर आ जाए काम करने लग जाए और अच्छा पैसा कमा लें तो इंडिया की जीडीपी डबल कर सकती है। वुमेन्स में ये पावर है, इसीलिए वेस्टिज भी वुमेन्स की पावर को समझ रहे हैं और उनके शरीर में और उनकी लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ज्यादा चैलेंजेस उनको पहले ही होते हैं, बाकी वो अपनी लाइफस्टाइल से बना लेती हैं, है ना। तो जितनी भी लेडीज हैं मैं उनसे पूछता हूं कि अगर घर में 50 गेस्ट आ जाए तो खाना बना लोगे नहीं बना लोगे? लेकिन अगर आप अकेले हो तो फिर रोटी सब्जी नहीं बनती है ना। फिर हम देखते हैं कि पुराना खाया, पुराना फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है, अकेले के लिए क्या बनाना। तो जो घर का इंजन है जब वही कमजोर होगा तो डब्बों का क्या हालत होगी। आपको स्वस्थ रहना है उन लोगों के लिए जो आपके सहारे जी रहे हैं, क्योंकि अगर 2 दिन भी आप लेटते हो तो अस्त व्यस्त गेस्ट सब कुछ हो जाता है घर का, कुछ नहीं पता फिर कौन सी चीज कहां पड़ी है। तो इसीलिए क्रैनबेरी फॉलिक आयरन के कैप्सूल हमने बनाए हैं, हर ऑन कैप्सूल ये भी लेडीज के स्पेशलिस्ट है, 18 साल से 50 साल तक आप दे सकते हैं। यू कंट्रोल मतलब यूरिन की टेम्पटेशन बहुत ज्यादा होती है कई बार एक एज के बाद, तो उसके लिए यू कंट्रोल बनाया है। शतावरी जो लेडीज के हार्मोन्स पे स्पेशल काम करता है और 100 रोगों को दूर करता है लेडीज के हार्मोन्स के, इसलिए इसका नाम शतावरी रखा है। और हेयर, स्किन और नेल ये लेडीज की जान होती है। कहते हैं 10,000 करोड़ का बिजनेस तो सिर्फ बाल ही कर देते हैं इंडिया में, है ना, इतना बड़ा बिजनेस है। तो हमने उसी के ऊपर ही हेयर, स्किन एंड नेल को आपके स्वस्थ और अच्छा और चमकदार बनाने के लिए इसके कैप्सूल बनाए हैं, जो लेडीज लेके इसका फायदा उठा रही है। नेक्स्ट सर, आयुषांत एक जड़ी बूटियों की रेंज है पूरी, जो अभी तक आपने देखे नेचुरोपैथी थे। जब कुछ नेचुरल चीजों को कंबाइंड करा जाता है तो फिर आयुर्वेद बनता है। इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट आप प्रो हार्ट, प्रो कार्ड देख रहे हैं, हार्ट का स्पेशलिस्ट है। ग्लूको हेल्थ शुगर के लिए है, किडनी हेल्थ जो किडनी में पथरी होती है उसको भी ये तोड़ देता है, गला देता है और शरीर से बाहर कर देता है और किडनी को भी हेल्थफुल बना देता है। क्योंकि जिनको पथरी की दिक्कत हो जाती है किडनी में वो निकाल भी लेते हैं कई बार, ऑपरेशन भी करा लेते हैं, लेकिन बार बार होती रहती है वो, तो उन लोगों के लिए इसकी अगर 1 या 2 डब्बी साल में भी वो ले लेंगे ना तो दोबारा ये होने भी नहीं देता, इतने कमाल की चीज है। ऐसे ही प्रोस्टेट के लिए बनाया है, वाइटल कॉम्प्लेक्स सेल्स को एनर्जी देने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए। टॉक्स क्रीन बनाया है टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए, जैसे फुट पैच करता है लेकिन ये खाने का है तो आप इसको रेगुलर खा भी सकते हैं। जिनकी आदत बाहर के खाने की ज्यादा है, जो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल वगैरह सब कुछ करते हैं, कैसे बचेंगे? क्योंकि हर पैक का असर होता है लीवर पे और वो सोचता है कोई कि मैं तो डेली इतना ले लेता हूं मुझे तो कुछ होता ही नहीं है। 80% जब तक लीवर डैमेज नहीं हो जाता परफेक्ट काम करता है, और जिस दिन 80 से 81 होता है वो कोलैप्स करता है। कई बार आपने देखा होगा जी कल बिल्कुल ठीक था, आज कल क्या हो गया, आज कुछ नहीं हुआ, बस 80 से 81 हुआ है ना। अब बहुत मुश्किल है उनका बचना, इसीलिए तो लीवर हेल्थ उसके लिए बनाया, स्पेशलिस्ट है लीवर को हेल्थी बनाने के लिए। एक बार मैं पंजाब में ऐसे ही बता रहा था एलोवेरा और लीवर हेल्थ के बारे में, तो एक बाबूजी उठे वो कह रहे अब समझ में आ गया, 2 पैक की जगह 4 करूंगा और ये पीऊंगा 2 कैप्सूल साथ में। मैंने कहा इसलिए नहीं है, है ना, ये इसलिए थोड़ी बताया मैंने, जैसे शराब के अंदर 2 कॉकरोच डाले ना पानी में और शराब में, तो कॉकरोच शराब वाला मर गया तो उससे पूछा क्या समझे, तो पीने वाला कहता है पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। तो हर आदमी अपना अर्थ खुद ही निकाल लेता है, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छा अर्थ ही बताया जा रहा है। नेक्स्ट, रेस्पो केयर भी है इसमें, रेस्पो केयर जो सांस की सारी चीजों को ठीक करता है। इनविगो बच्चों के लिए प्रोटीन है, इसमें वनीला फ्लेवर भी है, चॉकलेट भी है, तुलसी का अर्क बनाकर इसके अंदर 5 तुलसी, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, श्वेत तुलसी, वन तुलसी और
कपूर तुलसी, इनका अर्घ लेकर बनाया है। एक कप पानी में गुनगुने में एक बूंद डाल दो, चम्मच डाल देना पी नहीं पाओगे। इसमें एक बूंद से आप सारे तुलसी के बेनिफिट ले सकते हैं, वो भी एक तुलसी के नहीं, पांच पांच तुलसी के। नेक्स्ट, हेल्थ फूड में भी हम हैं, जिसमें खाना बनाने का तेल सबसे बड़ी बोतल दिख रही है। ये रसोई रत्न कहा जाता है। कोई भी रसोई की कल्पना आप कर सकते हो कुकिंग ऑयल के बिना, तो इसके अंदर सारा गुण है। इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है और ट्रांसफैट नहीं है। इसने नीचे लिखा हुआ है ट्रांसफैट फ्री। तो एक आदमी बाद में आया इसको खरीदने के बाद, कह रहे जी ये क्या कर रहे हो, लिखा इसमें लिखा हुआ फ्री दोगे कुछ इसके साथ, ट्रांसफैट फ्री है ये, इसके साथ प्रोडक्ट फ्री नहीं है, ट्रांसफैट और कोलेस्ट्रॉल इसमें नहीं होता। ऐसे इसमें चाय भी जो बनाई है एसिडिटी को ठीक करती है, नहीं तो चाय अगर ज्यादा पीते हैं तो एसिडिटी होती है। यहाँ पर चाय पीने से एसिडिटी को ठीक किया जाता है। ऐसे कॉफी भी है, मसाला टी भी है, चॉकलेट बार भी है इसमें, और एनर्जी बूस्टर भी है, एनर्जी जूस। ऐसे ही शैम्पूस की रेंज है। नेक्स्ट, शैम्पू के लिए इसमें नई रेंज निकाली है, ब्लू कलर की। हेयर ऑयल भी निकाला है हमने, और इसमें बाउंस रिस्टोर शैम्पू निकाला है। पुरानी फिल्मों में देखे थे आपने संजय दत्त के कार कैसे बाउंस करते हैं जब चलता है, तो बाउंसी हेयर शैम्पू निकाला है, वैसे हमने अभी निकाला है, हो सकता है पहले यूज करता हो, तो आप भी वैसे बाल पा सकते हैं इसके अंदर। कंडीशनर भी है इसमें, और हेयर सीरम भी है इसके अंदर, तेल की तरह होता है जिसको बालों में आप लगाते हैं तो बालों की लाइफ, चमक, सब कुछ अच्छी हो जाती है। ऐसी फेशियल किट भी बनाया है इसमें। ये सिर्फ 140 की पूरी डब्बी है, पूरी फेशियल किट है। इसमें चार पाउच होते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, सब कुछ लिखा हुआ है। और आप अपने घर में ही होम फेशियल इसकी कर सकते हैं। विटामिन सी का फेशियल फॉर्म है, क्रीम है। इसी तरीके से सुबह से रात तक जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो अपने घरों में, वो सब कुछ वेस्टिज बनाता है। नेक्स्ट, पर्सनल केयर के अंदर वो सारे प्रोडक्ट्स हैं, डीओ है, साबुन है, पॉकेट परफ्यूम है, शैम्पू है, अलग अलग तरीके के स्पा है, कंडीशनर है, सब कुछ, कंडीशनर, टोनर है, मॉइस्चराइजर है। तो ये सब कुछ आपके काम के हैं, जो आज से पहले भी आप यूज कर रहे थे, लेकिन इन प्रोडक्ट्स को यूज करके क्या मिलेगा वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। नेचुरल पर्सनल केयर के अंदर वेगन प्रोडक्ट्स हैं, पेटा सर्टिफाइड है। इसके अंदर जानवरों का कुछ भी दूध, क्रीम भी यूज हम नहीं करते, तो ये बहुत प्योर फॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट, वाटर प्योरीफायर भी हमने बनाया शार्प के साथ मिलकर। शार्प जो है इंडिया में जापान की कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर वन मानी जाती है। एयर प्योरिफिकेशन में थी, वाटर में नहीं थी अभी तक, लेकिन अब वो वाटर आरओ भी बनाने लग गई है, और उसने इंडिया को पहली कंट्री चुना शार्प ने, जो आरओ उसका बेचेगी और लोगों तक पहुंचाएगी। लेकिन इंडिया में भी एक ही कंपनी, सिर्फ वेस्टिज को चुना शार्प ने अपने आरओ को बेचने और यूज करने के लिए। ताली बजा दो जी भाई, वेस्टिज के लिए। वेस्टिज इकलौती कंपनी है जो शार्प का आरओ बेच पा रही है इस समय। इसमें पिचर भी है और एयर प्योरीफायर भी है हमारे पास, जो वाटर मतलब एयर में पोल्यूशन होते हैं, आप अपने कमरे में इसको चलाएंगे 20 मिनट के अंदर आपको जंगल जैसा माहौल मिलेगा। इधर उधर के लोग जंगल वाली हरकतें नहीं करेंगे, लेकिन वहां की हवा ऐसी हो जाएगी कि आप बहुत प्योर और शांति महसूस करेंगे। नेक्स्ट, गैनो पेस्ट भी है, जो गैनो जड़ी बूटी देखी थी उसका हमने पेस्ट भी बनाया है। ये मुख की पूरी सर्विसिंग कर देता है, मुख मंडल के सारे काम कर देता है। नेक्स्ट, पेस्ट हमारे पास और भी तरीके के हैं। नीम लौंग कैल्शियम का भी पेस्ट है, व्हाइटनिंग पेस्ट है, ब्रशेस भी है। नेक्स्ट, और वुमेन्स के लिए स्पेशल इंटीमेट वॉश है, पेंटी लाइनर भी है, और सैनिटरी नेपकिन भी है। नेक्स्ट, ये सर्जिकल कॉटन से बने हुए हैं और बहुत काम आते हैं, इसकी ट्रेनिंग आप अल्ग से ले भी सकते हैं। और होम केयर के अंदर अल्ट्रा गार्ड जो है वो टॉयलेट क्लीनर है, जो हमें जरूरत पड़ती रहती है सभी को अपने घरों में। अल्ट्रा वॉश कपड़े धोने का लिक्विड है, अल्ट्रा स्क्रब बर्तन धोने का लिक्विड है, जो छोटी सी बोतल 5000 से ज्यादा बर्तन धो देती है। और अल्ट्रा स्वैप जो है फ्लोर का क्लीनर है, सारे दाग धब्बे और खुशबू फैला देता है पूरे घर में, और जो आज तक आपका खर्चा हो रहा था उसको भी ये 5 गुना तक कम कर सकता है। अल्ट्रामेटिक डिटर्जेंट पाउडर में भी है। नेक्स्ट, तो सारा होम केयर की रेंज है। ट्रू मैन एक मेंस की लेन है, लाइन है पूरी, जिसके अंदर मेंस अपना फायदा इसको यूज करके उठा सकते हैं। ब्यूटी के लिए कहते हैं, अगर कॉस्मेटिक्स नहीं है तो आधी हो जाती है लाइफ लेडीज के लिए, तो उसकी लाइफ को और बढ़िया बनाने के लिए, और सब कुछ 100 से ज्यादा आइटम इसके अंदर मिस्टाल ऑफ मिलान के हैं, जो इटली का ब्रांड है,
वेस्टीज इसको इंडिया में लेके आया है और एन करोती इंडिया इसके ऊपर पूरा काम करती है, जिसका ऑफिस और इसके मालिक हमारे मिस्टर गौतम बाली जी ही है। स्किन फॉर्मूला 9 के अंदर स्किन ट्रीटमेंट है, इसमें लगभग 10 से 12 प्रोडक्ट्स हमारे आते हैं जो स्किन का ट्रीटमेंट करते हैं और ऑस्ट्रेलिया का ये ब्रांड है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर के अंदर किसान भाइयों के लिए भी प्रोडक्ट्स है हमारे पास, 8 प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर। किसानों की चाहत क्या होती है जी, मेरा दवाइयों का खर्चा कम हो जाए खेती का और फसल मेरी बढ़ जाए, यही तो चाहते हैं। तो यही काम वेस्टीज ने किसान भाइयों के लिए कर दिया। जब आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करोगे तो उनके खर्चे को, किसान भाई अपने खर्चे को 30-40% कम कर सकते हैं, पैदावार भी 40% फसल की बढ़ा सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स की जानकारी भी यूट्यूब पे हमारे है। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी वेस्टीज ने कदम रख दिया, जहां इंजन ऑयल जाता है वहां पे एक सीरम डालेंगे आप ये, तो इंजन की लाइफ बढ़ जाएगी, आवाज चेंज हो जाएगी, कंपन खत्म हो जाएगी और पॉल्यूशन भी 50% के करीब कम हो जाता है। ये बहुत कमाल की चीज है। और एक बार आपने अपने इंजन में इसको डाला गाड़ी के, तो उसके बाद ये दोबारा 30,000 किलोमीटर बाद दोबारा इसको डालने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, अब बारी आ गई है, ये सारे प्रोडक्ट्स आपने देखे ना, इन सारे प्रोडक्ट्स को लगता है आपके काम के है ना ये, तो जब इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करोगे तो पैसा भी कमा सकते हैं।